मैम एक्टिव वॉइस हम इजीली रीड कर सकते हैं और वो सिंपल सेंटेंसेस ही होते हैं. एक्टिव पर्सन उसमें जो पर्सन होता है वो एक्टिवली ही होता है, लेकिन जो पैसिव होते हैं उसमें जैसे आई गो टू स्कूल मीन्स के ऐसे जो सेंटेंसेस वो भी हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आते हैं और सब्जेक्ट चेंज होता है ऑब्जेक्ट में. एग्जैक्टली ऐसी ही बात है. अच्छा सुरैया कुछ लिख रही है, मैम वी कैन अंडरस्टैंड इजीली इन एक्टिव वॉइस. अच्छा अब देखो जो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं वो असल में वॉइसेस क्या होता है. वॉइसेस की दो टाइप्स हैं, एक होती है एक्टिव एक होती है स्टेटमेंट. देती हूँ फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ आई गो टू स्कूल डेली. नहीं ये तो अच्छा चलो कर लेते हैं. आई गो टू स्कूल डेली ठीक है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है. यस मैम. यस मैम. सिंपल स्टेटमेंट जो होती है फिर आपको एक्टिव वॉइस जो होती है उसमें एस वी ओ होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. जबकि आप पैसिव में जब चेंज करते हो जब आप पैसिव में चेंज करते हो तो आपका सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है. समझ आ रही है? यस मैम. यस मैम. एक्टिव वॉइस में जो फोकस होता है ये जो एम्फेसिस होता है वो आपके सब्जेक्ट पे होता है. ठीक है. एक्टिव वॉइस में जो फोकस होता है वो आपके सब्जेक्ट पे होता है, जबकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे जो आपका फोकस होता है वो आपके एक्शन पे होता है. ठीक है जी मैम. मैम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? पैसिव वॉइस में एक्टिव में होता है एस वी ओ, पैसिव में हो जाता है ओ वी एस. ठीक है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे. ठीक है. ओ वी एस हो जाता है, इनवर्स हो जाता है. yes, वर्ब वर्ब की जगह पे ही रहेगा. यस मैम. समझ आ गई. अब जो इसमें yes, एक मुश्किल कह लो या फिर मुश्किल नहीं होती है आप लोगों की समझने वाली होती है वो आपके पास टेंस की कन्वर्जन आ जाती है. ठीक है जी मैम. टेंस की कन्वर्जन जो है आपके पास आपके नोट्स में भी पूरा टेबल भी होगा. ठीक है जी. जी मैम. हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर लेते हैं लेकिन हम इनका आमतौर पर यूज कहाँ पर करते हैं? मींस के एक्टिव को तो होते हैं यूज लेकिन पैसिव वॉइस का हम यूज कहाँ करते हैं? देखो आजकल की जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसमें प्रेफर किया जाता है पैसिव वॉइस को. समझ आइए. हम जब छोटी क्लासेस में होते हैं लाइक 9, 10 या 8, 9, 10 में होते हैं तो आपको बताया जाता है जो बच्चे अक्सर रखते हैं कि जब बाय बाय आता है तो वो एक्टिव पैसिव वॉइस हो जाता है. ऐसी बात है. मैं कहती हूँ कि दिस वर्क आई डू दिस वर्क. ठीक है. आई डू दिस वर्क तो पैसिव में करूंगी तो दिस वर्क इज डन बाय मी. सही होगा. तो बच्चे क्या कहते हैं जब हम बच्चे होते हैं तो बस सब ये सोचते हैं कि जब बाय आएगा तो वो पैसिव वॉइस होती है. ऐसी बात है. जबकि अब मॉडर्न इंग्लिश में इस बाय को भी स्प्लिट कर दिया जाता है तो आपको पता कैसे लगाना है कि ये पैसिव वॉइस है उसके वर्ब चेंजेस से. ठीक है. तो वर्ब चेंजेस जब आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे आपको याद होंगे तो आप आसानी से कह सकते हो कि हाँ ये पैसिव वॉइस है. ठीक हो गया. मैं बताती हूँ पैसिव वॉइस में जो सबसे नेसेसरी मतलब वो चीज रूल चेंज कभी भी नहीं हो सकता चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए दैट इज पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है. हमेशा किसी भी टेंस क्योंकि वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है. ठीक हो गया. पहली बात वापस आ जाती है कि चाहे कोई भी टेंस हो कोई भी टेंस हो आइदर वो आइदर वो प्रेजेंट टेंस हो वो सिंपल इंडेफिनिट हो वो पास्ट इंडेफिनिट हो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जो भी होगा आपके पास आप थर्ड फॉर्म ही यूज होनी है उसकी. ठीक है. नाउ देयर कम्स कि जब थर्ड फॉर्म यूज होनी है तो फिर तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा. जबकि होता क्या है ऑब्वियसली डिफरेंट टेंसेस हैं उनके हेल्पिंग वर्ब्स डिफरेंट होते हैं. फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ कि
अगर मैं सिंपल इनडेफिनिट टेंस ले लेती हूँ, तो सिंपल इनडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया होता है, स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो होता है ES. आपने अब सिंगुलर प्लूरल्स पढ़े होंगे, ऐसी बात है? तो अक्सर क्वेश्चन बच्चों का ही होता है, मैं ग्रुप में भी देखती थी, बच्चों ने काफी क्या सेंटेंस कैसे बनाए समझ नहीं लगती है, पता नहीं चलता है कैसे बनाना है. देखो एक चीज होती है सिंगुलर्स और एक होते हैं प्लूरल्स, सही है. अब ये सिंगुलर्स और प्लूरल्स कैसे होते हैं हमारे पास, कि जो सिंगुलर्स हैं वो ही, शी और इट होता है. सिंगुलर्स ही, शी, इट होता है, जबकि प्लूरल्स में आई, यू, वी, दे आ जाता है. ठीक है? यस मैम. बात जो समझने वाली है, जो मैं अपने जैसे फॉर इंस्टेंस छोटे भाई को पढ़ाती हूँ, तो हम लाइक कि जहाँ पे भी सिंगुलर्स हैं, तो सिंगुलर्स को आप हमेशा चाहते हो कि वो प्लूरल्स में कन्वर्ट हों, ऐसा ही चाहते हो? तो हमेशा सिंगुलर्स ही, शी, इट, तीन है ना, तीन कम होते हैं, प्लूरल्स ज्यादा होते हैं, तो आई, वी, यू, दे, चार हो गए, चार ज्यादा होते हैं तो वो प्लूरल्स होते हैं. ठीक है, कम वाले सिंगुलर्स होते हैं, ही, शी, इट, तीन, आई, वी, यू, दे, चार हैं तो वो प्लूरल्स हो. समझ आ रही है आप लोगों को? आपकी आसानी के लिए, ठीक है, मैं ये चीजें इस तरह मोल्ड कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए. सिंगुलर्स ही, शी, इट होते हैं और प्लूरल्स आई, वी, यू, दे होते हैं. अब जो सिंगुलर्स हैं उन्हें तो प्लूरल्स बनाने की जरूरत है ना, तो उनको हम प्लूरल्स कैसे बना सकते हैं? ऊपर भी नहीं है. अब उनको प्लूरल्स कैसे बना सकते हैं? उनको प्लूरल्स बनाना इस तरह है कि उनके साथ जो वर्ब आएंगे ना, वर्ब, उसके साथ आप एस या ई एस लगाते हो. समझ आ गई? मैं कहती हूँ शी गो टू स्कूल या शी गोज टू स्कूल? शी गोज टू स्कूल. एग्जैक्टली, क्योंकि शी सिंगुलर है, उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल लगेगा. आप ऐसे कह लो, आपने साइंस पढ़ा होगा, बायो होगा बच्चों का, ठीक है, आप कहते हो, फॉर इंस्टेंस बायो भी छोड़ दो, आप कहते हो कि लाइक लाइक की अट्रैक्शन नहीं होती है, रिपल्जन होती है, चार्जेस सेम होते हैं तो रिपल्जन होती है ना, दूर जाते हैं, और जैसे ही चार्जेस नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ऐसी बात है? यस मैम. और चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ऐसी बात है ना, तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर्स के साथ प्लूरल्स लगाते हैं और प्लूरल्स के साथ सिंगुलर लगाते हैं. अब मुझे बताओ, दे गो टू स्कूल होगा या दे गोस टू स्कूल होगा? क्यों? क्योंकि दे प्लूरल है, हमने प्लूरल के साथ सिंगुलर लगाना है, उसको प्लूरल के साथ प्लूरल नहीं लगा सकते हैं. ठीक है, समझ आ गई? ये डू से कैसे, डू के साथ जब ईएस लगाते हो तो प्लूरल बन जाता है, पर मैंने बोला प्लूरल किसके साथ आएंगे, सिंगुलर्स के साथ आएंगे. सिंगुलर्स कौन है? ही, शी, इट. तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि ही, शी, इट के साथ आप डज लगाते हो और आई, वी, यू, दे के साथ आप डू लगाते हो. ठीक है? यस मैम. यस मैम. ये चीज समझ आ गई? यस मैम. आई का समझ नहीं आया, आई सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है ना, आई, वी, यू, दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू लगाना है, मतलब सिंगुलर लगाना है, और डस प्लूरल है तो उसके साथ सिंगुलर लगाना है, मतलब ही, शी, इट लगाना है. और कभी भूल जाओ कि सिंगुलर कौन से हैं, ही, शी, इट है या आई, वी, यू, दे है, तो याद रखना सिंगुलर कम होते हैं, वो तीन वाले हैं, ही, शी, इट वाले हैं. ठीक है, और प्लूरल ज्यादा होते हैं तो वो आई, वी, यू, दे, चार वाले हैं. ठीक है? ठीक है. यस मैम. वो होती है has और have कहाँ पे लगता है. अगर आप कहते हो कि आपको सिंपल स्टेटमेंट बनानी है तो इंग्लिश
लिटरेचर कह लो या इंग्लिश ग्रामर कॉम्पोजिशन कह लो, जहां पे भी, ठीक है, आइदर वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हो या लिटरली पोर्शन हो, दोनों में, ठीक है, दोनों में क्या होता है, आपके पास ये दो चीजें बहुत जरूरी है. एक तो डू डस का पता चल गया आप लोगों को, ठीक है. दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको समझ लोगे तो बहुत आसानी होगी. आप लोग जब भी आप कोई सेंस बनाने लगोगे या कुछ सोचोगे, कुछ बोलने लगोगे, तो सबसे पहले ये फोकस रखना है कि आप आइदर आप किस तरीके से लगा रहे हो, ही शी के साथ आप डज ही लगा रहे हो, आई वी यू के साथ आप लोग डू ही लगा रहे हो, ठीक है. पहली गलती जो बहुत कॉमन है, ठीक है. इसी में एक और गलती जो होती है, मैं कहती हूँ डज शी गो टू स्कूल या डज शी गोज टू स्कूल. Does she go to school? Does she go to school? क्योंकि अब एक बार does लगा दिया ना plural, अब दोबारा से अब ये तो नहीं कि दो plural एक साथ नहीं आएंगे, सही है? She के साथ जो लगना था वो does आ गया, do does में convert हो गया, plural बन चुका. आगे verb को आपने कभी भी plural नहीं करना जब आपके पास does आ रहा है, ठीक है? Yes ma'am. Yes, ma'am. ये कॉमन गलती है. एक और आगे आ जाओ आप लोग, आपके पास जैसे सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में आपके पास सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है. अब उसमें क्या होता है, सेकंड फॉर्म तो सिंपल मैं कहती हूँ आई एट एन एप्पल, ठीक है. ईट की सेकंड फॉर्म है एट, लेकिन आई एट एन एप्पल, सही हो गया. तो एट से पता चल रहा है ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म लग रही है और कुछ भी नहीं है. इसी को जब मैं कहती हूँ कि आप इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करो, तो इसके लिए क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या होती है, क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सिंपल पास्ट के लिए, डिड क्या होता है, डिड. और यार आप सुनो, अब देखो ये गलती, यही गलती है, डिड आई एट एट एन एप्पल, क्योंकि एक बार जब सेकंड टेंस लग चुका है दोबारा इट नहीं बोलना, दो टेंस दो चीजें कभी भी रिपीट नहीं होगी, ठीक है. एक बार जब पास्ट आ चुका तो वो एक सेंटेंस में दो बार नहीं लगाना आपने, सही हो गया. तो डिड के साथ ये गलती बहुत बहुत कॉमन है, गलती नहीं करनी है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है. ओके मैम, प्लीज अपने माइक म्यूट कर दीजिए. जी जी मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं आवाज से क्या ये माइक म्यूट कर दीजिए. जो बताओ जिसका भी माइक म्यूट नहीं हुआ, मैं पहले अब आ जाते हैं आपके पास नेक्स्ट पे चलते हैं. तो हम कहते हैं कि नेक्स्ट एक बहुत चीज इम्पोर्टेंट है, जैसे ही शेड के साथ डज यूज होता है और आई वी यू दे के साथ आपके पास क्या यूज होता है, डू यूज होता है. उसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, वो क्या है, हैज और हैव, ठीक है. अब हैज समझने के लिए आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं. मैंने कहा सिंगुलर्स हैं ही शेड, ठीक है, सही है, सबको आवाज आ रही है. अब सिंगुलर आपके पास सही है. अब जो ही शी इट हैं वो सिंगुलर्स हैं, तीन हैं. और हैज हैज में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तीन. तो तीन का तो आप तीन के साथ करोगे. इस वाले में शी ही इट के साथ आपके पास हमेशा हैज आता है, ठीक है. और साथ आपके पास है जी जी बोलो, मींस के वो फॉरवर्ड है उनके साथ है आएगा, आई विल यू दे और हैज स्पीक है मींस के ही शी इनके साथ है आएगा. एग्जैक्टली समझ आ गई जी मैम. ठीक हो गया, अब ये बात भी आप लोगों को समझ आ चुकी है, ठीक हो गया. अब उसके बाद आ जाते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है, ये अब जो हैज हैव है इस टेंस को आप परफेक्ट टेंस कहते हो, ठीक है. परफेक्ट टेंसेस आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव यूज होता है. शी
और याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वैसे ही चाहे वो सिंपल स्टेटमेंट भी होगी उसमें परफेक्ट टेंसेस में आप हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हो, ठीक है? ये चीजें याद रखने वाली हैं, इसके ये पता होंगी तो तभी आप पैसिव कर सकते हो। ये परफेक्ट टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट इनमें आप हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हो हैज हैव के साथ, ठीक है? मैम जस्ट लाइक शी हैज ईटन फूड, शी हैज आगे ईटन फूड, शी हैज टेकन हर लंच या शी हैज ईटन हर फूड, इस तरह, ठीक हो गया? अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास ये अब भी लॉबी में क्यों आ रहे हैं जब अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हम कहते हैं एक्टिव पैसिव, ठीक है? अब ये बातें आपके माइंड में होनी चाहिए, सही हो गया? अब मैं कहती हूँ सबसे पहले आप लोगों को कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव पैसिव में सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है? बल्कि नहीं, वो तो नरेशन हो गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब मैं कहती हूँ शी गोज टू स्कूल डेली, नहीं शी हैज शी डज हर वर्क, she does her work, ठीक है? सिंपल स्टेटमेंट है, she does her work. इसको आपने पैसिव में चेंज करना है। अब बात याद रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने बोला था या तो डू डज आता है या फिर आपके पास जो आपके पास ही शी इट या आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा सिंगुलर प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंगली लग जाते हैं, ये बताया था। आप इसे पैसिव में चेंज कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपके पास थर्ड फॉर्म के साथ इज एम आर लग जाता है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब आप पैसिव में चेंज करते हो तो आती है, ठीक है? मैं कहती हूँ शी डज हर वर्क, शी आपके पास सब्जेक्ट है, डज आपके पास वर्ब है, हर वर्क आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट है, ऐसी बात है? ऐसी ही मैम। तो हर वर्ब ऑब्जेक्ट पहले आ गया, डज आपके पास इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखो इज एम आर कैसे लगेगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऑब्वियसली इज लगेगा ना। मैं कहती हूँ हर वर्क इज डन या आर डन या एम डन क्या आएगा? इज डन, इज डन। तो हर वर्क इज डन, डन कैसे लगा, डस्क जो है वो डू डस्क की थर्ड फॉर्म आपके पास डन होती है, तो इज डन बाय हर, ठीक हो गया? पैसिव वॉइसेस में आप लोग बाय हर लगाओ या ना लगाओ डज नॉट मैटर, बिकॉज मॉडर्न अब जो लैंग्वेज आ रही है उसमें ऐसा है कि फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया? ओके मैम। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट जो चेंज होता है तो वो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है आपके पास पैसिव में। जी कोई क्वेश्चन है? मैम आपने कहा था प्रेजेंट जो होता है वो पास्ट में चेंज होगा, तो यहाँ पे इस लगाएंगे। मैंने आपको नरेशन है जिसमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, वो नरेशन होती है, अभी हम एक्टिव पैसिव कर रहे हैं, ठीक है? ओके मैम। सही हो गया। मुझे बता दें ये क्लास एंड कब होती है? मैम 5 बजे होनी थी ना। 5 बजे फिक्स हो जाती है। अच्छा सही है। अच्छा अब ये एक टेंस समझ आ गया आप लोगों को कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कब करना है, वो कैसा होता है, किस चीज में चेंज होता है, ठीक है? सिंपल पास्ट टेंस बता देती हूँ, फिर आगे इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस जो होता है उसमें मैंने आपको बताया या तो डिड होता है आपके पास रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, या फिर सेकंड फॉर्म यूज हो रही होती है, ठीक है? मैं कहती हूँ शी एट हर लंच, एट सेकंड फॉर्म है, इट मींस ये सिंपल पास्ट टेंस है, ऐसी बात है? मैम एट आएगा, एट आएगा मैम सेकंड फॉर्म, इसको एट ही बोलते हैं, जिसको आप एट बोल रहे हो उसको आप उसको एट बोला जाता है, ठीक है? एट जी मैम वही ईट एट ईटन सही है, एट तो शी ईट हर लंच, हर लंच पहले आ गया,
इसमें उसमें इज एम आर होता है सिंपल प्रेजेंट में, इज एम आर होता है थर्ड फॉर्म के साथ, पास्ट में वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म होती है. तो हर लंच वाज के लिए, वर होता है प्लूरल के लिए. ठीक है, ठीक है. वाज ईटन बाय हर. कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो? नो मैम. ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर प्लस थर्ड फॉर्म होती है पैसिव में, और सिंपल पास्ट टेंस में वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म होती है पैसिव में. ठीक हो गया? यस मैम. अच्छा, तो आज मसला ये था कि क्योंकि ट्रेनर्स के नेटवर्क इश्यू था, जिसकी वजह से आपकी क्लास मेन ली है. ठीक है, अगली क्लास में इंशाल्लाह आपको जो पढ़ाएंगी वो आपको इधर से ही आगे कंटिन्यू करेंगी. सही है, क्लॉजेस में कोई भी मसला हो या फिर इस वाले में एक्टिव पैसिव के स्टार्टिंग में या फिर जब मैंने पढ़ाया है, कोई भी मसला हो तो यू पीपल कैन आस्क फ्रीली. थैंक यू, आपने बहुत अच्छा करवाया. थैंक यू सो मच. आग रहे थे क्योंकि मैंने बच्चों को पढ़ाती हूँ, लड़कों को, तो वो बॉयज वाली साइड जो है वो माशाल्लाह पहले तो आधा घंटा उनको जगाने में लगता है, जाग रहे हो, सुन रहे हो, फिर एकदम से आवाजें आती हैं, जी मैम जी मैम जी मैम, सब शुरू कर देंगे, फिर सब सोएंगे. तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, क्योंकि वो सोए रहते हैं और फिर उनको जगाना पड़ता है. आप साइन टीचर है और ना टीचर तो डांटते रहते हैं. वो डांटी इसलिए मुझे खुद भी पता है कि जब डांटते हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और बच्चियां तो वैसे ही नहीं पढ़ती हैं, माशाल्लाह से इतनी नाज नखरों से पली होती है ना, तो इन्हें डांट दो तो रोना शुरू कर देती हैं, तो मुझे पता है. ठीक है, तो इसलिए मैं समझ सकती हूँ आप लोगों के एहसास को, जज्बात को. ठीक है, थैंक यू मैम समझने के लिए. मुझे बताओ यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर से कौन कौन है? बी एस थर्ड सेमेस्टर, इज योर हैंड. मैम यूनिवर्स थर्ड सेमेस्टर, निशा,